दिनों के बाद मैं नूतन सूर्य मेरे चैनल में करती हूँ आप सभी लोगों को वेलकम। आज है संडे और आज का तारीख देख के बताती हूँ। हाँ, आज है 23 मई। अभी मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई मेरा डेली ब्लॉगिंग करता है। मैं इसके लिए शुरू कर दिया है आज का ये ब्लॉगिंग। मैं जा रही हूँ मार्केट, हफ्ते महीने में एक ही दिन मार्केट जाती हूँ। ये ले लिया मैंने नया मास्क और ये ले लिया मैंने पैसा। तो चलिए मार्केट चलते हैं, उसके बाद आगे मिलते हैं। हम लोग एक साल बाद एक बहुत अच्छा चीज आज लेके आए हैं, लेकिन वो चीज क्या लेके आए हैं जरूर आप लोगों के साथ करेंगे शेयर। फिश लेके मैं आ चुकी हूँ। दुकानें हैं सारे बंद और मेरे यहाँ पे तो खुल चुका है क्योंकि मैं रहती हूँ गांव में और हम लोग पहले जहाँ रहते थे वो है कौन सा म्यूनसिपलिटी के अंदर, नवी मुंबई म्यूनसिपलिटी के अंदर जो है एरिया वो सारे 11 बजे तक का क्लोज है। तो चलिए देखते हैं एक साल बाद मेरे घर में आज क्या आया। ये एक साल बाद एक्चुअली ये कोई प्रमोशनल नहीं है, तो थोड़ा हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। ये है आइसक्रीम और जो ब्रांड का मैं आइसक्रीम खाती हूँ फिलहाल वो मुझे नहीं मिला है, तो जो मिला है वही लेके इसको करते हैं फ्रीज क्योंकि बाहर है बहुत ज्यादा गर्म। तो ये हम लोग शाम को करेंगे पार्टी। मार्केट से आने के बाद मैंने बना लिया है झटपट चिकन और संडे है तो चिकन थोड़ा बहुत बनता भी है और सस्ता भी है अकॉर्डिंग टू फिश। और ये हमारा बन चुका है राइस। ये मम्मी ने बना के रखी थी राइस, आज बहुत दिनों के बाद मैंने आज आप लोगों के साथ मेरा खाना शेयर किया। और ये है मैंगो वाली खट्टी वाली दाल, जो दाल गर्मी के दिन में बहुत फेमस होता है बंगाली घरों में और मेरे घर में क्यों ना बने, तो मैंने भी आज बना लिया है दाल। बचपन में कभी आप जामुन खाए हो और जामुन खाने के बाद कभी अपने ऐप के टांग दिखाए हो? ऑलरेडी मैंने जामुन खाई है और ये कुछ जामुने मैं बाजार से खरीद के लेके आई थी। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, ये सब गंदे चैलेंज बहुत सारे यूट्यूब में अभी ट्रेंड बन चुका है, लेकिन अभी एक छोटा सा चैलेंज करेंगे मैं और गुरुदेव। लेट्स सी किसका टांग हम लोग अभी देख के यहाँ से ऑलरेडी हम दोनों ने 3-3 जामुन खा चुके हैं और यहाँ का नजारा देखिए, ये घिस रही है ज्यादा विन होने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जामुन 3-3 लेंगे थोड़ा चुन चुन के। ये गुरुदेव को मैं 3 जामुन दे रही हूँ और मैं भी 3 जामुन खाऊंगी और खाने के बाद आप लोगों के सामने अपना ऐ करके माँ काली की तरह टांग शो करूंगी किसका टांग ज्यादा ग्लू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं चैलेंज को, ठीक है? एक साथ खाएंगे और ये है मेरे हाथ में 3 जामुन। और जामुन खाना बहुत अच्छी बात है, जिनका डायबिटीज है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और अभी आयरन इंटेक करना बहुत जरूरी हो गया है हमारे शरीर में। लेकिन ये खाने से थोड़ी बहुत जिनको कॉन्स्टिपेशन आता है वो थोड़ा प्रिकॉशन लेके खाइए, लेकिन खाने से दूर मत भागिए। इसका टेस्ट भी कभी कभी थोड़ा दर्द होता है, तो थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट मिला के खाइए तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत दिनों के बाद मैं कर रही हूँ आज ब्लॉगिंग तो इसके लिए मैं एंडिंग बहुत मीठे तरीके से करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैलेंज गुरुदेव के साथ किसका टांग ज्यादा ब्लू होता है। तो यहाँ तो 3-3 ले लिया था हमने जामुन और मैं जल्दी जल्दी खाने के लिए जामुन पूरा एक साथ मुंह में डाल लिया था, लेकिन मुंह एकदम दिखाने लायक नहीं था तो मैंने अपने मुंह को कर लिया था हाइड। और गुरुदेव का हालत देखिए, क्योंकि जामुन का टेस्ट तो थोड़ा कैसा होता है ना, कड़वा थोड़ा खट्टापन, तो उसका आँख मुख देखने से ही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन मैंने कैसे भी करके मुँह के अंदर 3 डाल लिया और जामुन को कर लिया था ख़त्म। मेरा वाला ज्यादा ब्लू हुआ है, इनमें हार गया है। जामुन कंपटीशन तो आप लोगों ने देख ही लिया। अभी हम लोग खाएंगे आइसक्रीम क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम का स्लाइस, एक साल बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे तो थोड़ा अच्छे से खाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 आइसक्रीम लेके आए थे, बाय 1 गेट 1 फ्री खरीद के नहीं, एक ही दाम में 2 मिला था तो यहाँ पे मैंने स्लाइस कर दिया। और अभी है डिस्ट्रीब्यूशन का बारी, सबके लिए निकाल लिया और अभी बच्चे लोग को पहले दे दूंगी, उसके बाद मैं और मम्मी और जॉय लेंगे क्योंकि बच्चे लोग एक साल तक वेट किया आइसक्रीम खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा क्लिप लेके मैंने कोशिश किया ब्लॉगिंग करने का। पता नहीं अच्छा लगेगा आप लोगों को क्या बुरा लगेगा, प्लीज जो भी लगेगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
और ये लेके मैं बैठ गई हूँ आइसक्रीम और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं जो ब्रांड का खाती हूँ फिलहाल वो तो मुझे नहीं मिला। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग बंगाली लोग बोलते हैं कि दूधेर साथ घोले मेटानो, तो वही काम मैं आज करने जा रही हूँ। तो ब्लॉग को और ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं ब्लॉग को इधर ही खत्म करती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को कहीं पर भी अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग डिसलाइक करते हो उन लोगों को भी वेलकम जरूर करिएगा, कोई बुरा बात नहीं है, डिसलाइक भी अच्छी होती है, ब्लेसिंग होती है। तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। अभी टाइम कितना बज रहा है, 9:10, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंडिंग, फिर करूंगी एडिटिंग, फिर मिल जाएगा आप लोगों को कल। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।